हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद साजिद अली। और आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और नेचुरली हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, तो ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स वगैरह है वो आपको अभी फ़िलहाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और ये साइड में आपको टाइमिंग्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक इसमें से चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यहाँ से जो भी टाइमिंग है उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली वीडियो के उस पार्ट पर पहुँच जाओगे और आपका वक्त भी बचेगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को उसके मीनिंग को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अब पहला हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं। ये वर्ड ग्रेविटी एक्चुअली आया है एक वर्ड से, दूसरे वर्ड से, जिसका नाम है ग्रेविस। जिसका नाम है क्या? ग्रेविस। और ये ग्रेविस का मतलब होता है क्या? हैवीनेस या हैवी। हैवी, हैवी बोलो तो क्या? भारी, वजन। अभी आप सोचोगे कि सर, हम लोग तो आज तक जो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े हैं या जाने हैं, रिलेटेड टू क्या? एक तरीके का फोर्स जो हम सबको, सारे लोगों को अर्थ की तरफ पुल करता है, ठीक है? तो ये भी गलत नहीं है। ग्रेविटेशन एक ऐसा पुल है जो सारे ऑब्जेक्ट्स को या सारे लोगों को अपने अर्थ की तरफ खींचता है। लेकिन याद रखो, ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो उस चीज़ पर ही एक्ट होगा जिसका सर्टन मास हो। मास मतलब क्या? मास मतलब टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो टोटल चीज़ें प्रेजेंट है उसको मिलाकर बोलते हैं क्या? मास। जैसे बॉडी में बाल है, ये भी मेरा मास हो गया। स्किन है, ये भी मास हो गया। ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स बोले तो क्या? आँख, नाक, मुंह, फिर उसके बाद हार्ट हो गया, फिर उसके बाद लंग्स हो गए, किडनी हो गए, इंटेस्टाइन हो गए। तो ये सारे क्या है? ऑर्गन्स है। तो ये ऑर्गन्स भी है, अंदर ब्लड है, ब्लड भी है, उसके बाद नाखून है, हड्डियाँ हैं, फिर उसके बाद दांत है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मेरी बॉडी का कंपोजिशन है। द टोटल कंपोजिशन या टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ मास। और ये मास के वजह से ही कोई भी चीज़ का हम लोगों को वेट मिलता है। अगर मास नहीं तो वेट नहीं होगा, बराबर है? तो क्या हो जा रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट बोले तो क्या? जिंदा या मुर्दा, यानी कि लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी मेटल, या फिर इंसान, जानवर या प्लांट, ये सब क्या है? अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ है उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है। फिजिक्स के टर्म्स में ये सब को, चाहे जिंदा चीज़ हो या मुर्दा, उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो इस अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास है या उसका मास नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, याद रखो, अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ है, जिंदा या मुर्दा, अगर उसका मास नॉन ज़ीरो है तो उसको ग्रेविटेशनल पुल का एहसास होगा। डैट मीन्स उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशन वर्ड जो है हैवीनेस से क्यों रिलेटेड है। समझ में आया? तो ये हो जाता है क्या? ये जस्ट इसका टाइटल का अभी तक हम लोगों ने मतलब जाने हैं, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो भी या फिर यूनिवर्स बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अर्थ के ऊपर या यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है या दो बॉडी है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कभी भी याद रखो, ये क्या होता है? अभी सर्टन पॉइंट्स में ग्रेविटेशन से रिलेटेड लिख देता हूँ, सर्टन पॉइंट्स। ये क्या है? इट इज़ नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि कोई भी दो चीज़ एक दूसरे को आपस में एक दूसरे से करीब लाती है या करीब खींचती है,
ठीक है, रिपेल नहीं करेगी, अलग नहीं करेगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अ अट्रैक्शन। दूसरा ये क्या है कि ये नॉन जीरो मास के ऊपर एक्ट करता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल के ज़रिए से दोनों एक दूसरे से करीब आ रहे हैं, तो उन लोगों का मास होना ज़रूरी है, वो मास उनका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, अर्थ के ऊपर कोई भी दो ऑब्जेक्ट या सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ ग्रेविटेशनल पुल के ज़रिए से। इन शॉर्ट अभी फ़िलहाल ये कैमरा जो है, ये कैमरा मुझे भी अपने तरफ खींच रहा है और मैं भी कैमरे को अपने तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कैमरे से चिपक क्यों नहीं जा रहा हूँ, या कैमरा आकर मुझ पे क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि अब मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो इससे तीसरा पॉइंट आता है, पहले मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूँ। इन शॉर्ट तो तीसरा पॉइंट क्या है, जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका पुल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। किसके ऊपर ज़्यादा रहेगा, जो उससे कम मास वाला है उसके तरफ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। तो अभी मैं आप लोगों को ये समझाने जा रहा था कि ये कैमरा मुझ पर क्यों नहीं आ रहा है, या मैं कैमरे के पास क्यों नहीं जा रहा हूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सपोज़ करो दो टॉर्च है, एक थोड़ी कमज़ोर है, दूसरी उससे थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। ये दोनों टॉर्च मैंने मारा, ठीक है, ये दोनों टॉर्च मारा, अब क्या हो गया, किसी ने बड़ा सा फोकस मार दिया, वो फोकस इतना ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो क्या ये दोनों की लाइट उस लाइट में से दिखेगी, नहीं। याद रखो हमारा अर्थ का मास सबसे ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उसके मास के सामने हमारा मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से करीब आकर एक दूसरे से लग क्यों नहीं रहे हैं, चिपक क्यों नहीं रहे, ये बोर्ड मेरे से क्यों नहीं लग रहा, ये कैमरा मेरे से क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोगों के मास एज कम्पेयर टू अवर अर्थ मास इतने कम है, इतने कम है कि हमारे मास नेग्लिजिबल है। तो जब मास नेग्लिजिबल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट, ये याद रखना। एक और लास्ट यानी कि चौथा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, चौथा पॉइंट क्या है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं है, पूरे यूनिवर्स में है, सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं है, पूरे यूनिवर्स में है, यानी कि सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, स्टार्स आ जाएंगे, उसके अलावा जो भी है दूसरे गैलेक्सीज वगैरह ये सब आ जाएंगे, सारी चीज़ों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो नॉट ओनली ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर तो है ही ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन नॉट ओनली ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ही, बट ऑल्सो ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स, बट ऑल्सो ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स। तो जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स पाए जा रहे हैं, वो प्लैनेट है, स्टार है, जो भी है, उन लोगों के बीच में भी क्या हो जा रहा है कि हम लोगों को ग्रेविटेशनल पुल जो है ये महसूस होता है, ठीक है। तो आई होप ये जो है आप लोगों को, ये चार पॉइंट आप लोगों को एटलीस्ट याद रहेगा और ये हेल्पफुल रहेगा आपको आगे के चैप्टर के कंटेंट को समझने के लिए, ठीक है। अब एज पर योर बुक हम लोग जो है पहले पेज पर जो भी दिया हुआ है आपके बुक में उसके हिसाब से अभी पढ़ाई करते हैं आगे। आपके बुक के हिसाब से पहले पेज पर दिया हुआ है कि एक छोटी सी स्टोरी है रिलेटेड टू वन साइंटिस्ट जिसका नाम है सर आइज़ैक न्यूटन। ये आइज़ैक न्यूटन जो थे ये एक बार जो है एक झाड़ के नीचे बैठे थे और वो झाड़ जो एप्पल का झाड़ था उस पे से एप्पल गिरा और एप्पल उनके सर पे लगा। सर पे लगने के बाद वो एप्पल को लेकर सोचने लगे कि ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर से वापस ऊपर क्यों नहीं गया, अच्छा अगर गिरा तो वर्टिकली बराबर नीचे ही क्यों आया, ऐसा जिगजैग होता हुआ क्यों नहीं आया, या हॉरिजॉन्टली इधर उधर क्यों नहीं चले गया, बराबर नीचे ही क्यों आया। ये सारी बातें उन्होंने जब सोचे तो उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते इस पर बहुत गौर किए और ग्रेविटी के बारे में उन्होंने पता करना शुरू किए, ठीक है। मगर उन्होंने जो सोचे कि ये अर्थ
के पास ही क्यों आया, नीचे झाड़ पे से गिरकर एप्पल अर्थ के पास ही क्यों आया? तो उसका आंसर है क्या, ये थर्ड वाला पॉइंट। देखो क्या हो जाता है कि ऐसा बोला जा रहा है कि सिर्फ अर्थ नहीं, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, हर कोई ऑब्जेक्ट अपने, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है। यूनिवर्स बोला हूँ तो मतलब सन जो है अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है, और अर्थ भी है सन को अपने तरफ खींच रहा है। अर्थ के आसपास मून है जो रिवॉल्व हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि मून अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है और मून को अर्थ अपने तरफ खींच रहा है। इन शॉर्ट सब अपने को एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे हैं। अब अर्थ पे आ जाओ, अर्थ के ऊपर भी क्या है, सारी चीज़ें जो है एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है या खींच रही है। लेकिन सेब जो है वो अर्थ के तरफ क्यों आया? तो उसके लिए एक पॉइंट है थर्ड वाला पॉइंट ये, और मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ इसमें, ऐड करता हूँ फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि आपने एक वर्ड सुने होंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोले तो क्या, कोई भी चीज़, अभी देखो मैं मूव कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज अ मोशन। लेकिन अगर मैं फास्ट मूव कर रहा हूँ तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, है ना। नॉर्मली बेसिकली एक्सेलरेशन का यही मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा फास्ट मूव करती है, फास्ट और अपनी स्पीड बढ़ाते जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अभी सपोज करो मेरे पास 5 केजी का एक लोड है और दूसरा है 20 केजी वाला एक लोड है। अब बोलो मैं किसको ज़्यादा फास्ट तरीके से अपने तरफ खींच सकता हूँ, यानी कि मैं अगर एक वजन है 5 किलो का तो मैं उसको फास्ट खींचकर कौन से वाले को लेके जा सकता हूँ? डेफिनेटली 5 वाले को, 5 केजी वाले को मैं आसानी से खींच कर लेके जा सकता हूँ, और 20 वाले को भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 5 बहुत स्लो लेके जाऊँगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि अगर मास बढ़ता है, मास अगर बढ़ता है एक्सेलरेशन घटता है। तो याद रखो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये बात याद रखो, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब आप बोलेंगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शन बोले तो क्या मतलब, अगर मास की क्वांटिटी बढ़ जाए, यानी इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट होती है। लिफ्ट में अगर आपने देखे होंगे, एक लिफ्ट होती है जिसमें हम बैठते हैं और उसके पीछे एक वजन चलते रहता है, ये दोनों भी कभी भी एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। कभी भी याद रखना, लिफ्ट अगर ऊपर गई तो लिफ्ट का जो पीछे का जो वजन चीज़ है आप कभी देखना वो नीचे जाता है, और अगर ये वजन ऊपर आया तो समझ जाना कि लिफ्ट नीचे चली गई है। वैसा ही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एम बढ़ गया तो ए नीचे जाएगा, या अगर ए बढ़ गया तो एम नीचे जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ, एम बढ़ गया, एम बोले तो क्या मास, मास बढ़ गया तो क्या हो गया एक्सेलरेशन कम। तो याद रखो अगर जितना ज़्यादा भारी वजन वाली चीज़ है तो उसका, उसको अट्रैक्ट करने का या उसको ट्रैवल करने का जो स्पीड है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, ये दो पॉइंट को मिला दो, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 3। 3 क्या बोलता है, मास जितना ज़्यादा हैवी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा। ठीक है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, यानी कि क्या, देखो इसको है ना, इसको टग ऑफ वॉर समझो, टग ऑफ वॉर समझो। टग ऑफ वॉर आपको पता है क्या होता है, दो टीम होती है, एक टीम वो साइड एक टीम ये साइड, बीच में रस्सी होती है, और जैसा ही अंपायर विसल करता है तो दोनों भी क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, रस्सी को खींचते हैं। जीतता कौन है, जो यहाँ पर, यानी जो भी दूसरे साइड वाले को अपने साइड में खींच लेगा। आपके हिसाब से जीतेगा कौन, कौन जीतेगा? नेचुरली वो जीतेगा जिसका वजन ज़्यादा है, या हम ये बोलेंगे जिसके पास ताकत ज़्यादा है। अगर ये साइड वालों के पास ताकत ज़्यादा है तो ये साइड वाले उस साइड वाले को खींच के इधर ले लेंगे।
बराबर है, वही चीज मैं बोलने जा रहा हूँ थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ कि जहां पर हैवी मास है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे से और आसानी से इन लोग को खींच लेंगे। पहली पॉइंट ये। तो एज कंपेयर टू एप्पल, और एज कंपेयर टू एप्पल किसका वजन ज्यादा है? एप्पल और अर्थ में से नेचुरली अर्थ का वजन ज्यादा है। अर्थ का वजन ज्यादा है तो अर्थ किसको खींचेगा? कमजोर वाले को। कमजोर कौन है? एप्पल का वजन, तो एप्पल को खींच रहा है। बराबर है कि नहीं? यस, बराबर है। दूसरा, अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम। लेकिन अगर मैं उल्टा बोल दूं, अगर मास कम है, मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन इसका मतलब ज्यादा। तो एप्पल का मास क्या है? कम है एज कंपेयर टू अर्थ। तो क्या हो गया? एप्पल फट से नीचे आ जाता है। क्यों? मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया। तो थर्ड और फिफ्थ पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 का आंसर आपको मिल जाएगा कि एप्पल क्यों जमीन पे गिरा, क्यों जमीन ऊपर जाके एप्पल से नहीं चिपकी। क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट याद रखने के लिए आसानी से, थर्ड पॉइंट मतलब टग ऑफ वॉर, जिसकी ताकत ज्यादा वो कमजोर को खींच लेगा। अर्थ का वजन ज्यादा, अर्थ ने कमजोर यानी एप्पल को खींच लिया अपने तरफ। और पांचवा, यानी उस चीज को और सपोर्ट कर रहा हूं कि पांचवा वाला क्या है, पांचवा पॉइंट के एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है तो मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो एप्पल का मास क्या है? एप्पल का मास एज कंपेयर टू अर्थ कम है तो नेचुरली अर्थ की स्पीड, सॉरी एप्पल की स्पीड बढ़ जाएगी और बढ़ के सीधा धप से वो नीचे आकर जमीन पे गिरेगा। आई होप तुमको इससे समझ में आया होगा कि पेज नंबर 1 पे जो है एप्पल के बारे में जो दिया हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पेज नंबर 1 के एंड में ही दिया हुआ है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के बीच में और दूसरे प्लैनेट्स के बीच में है, सपोज करो मून के ही बीच में यहाँ पर दिया हुआ है, तो मून आकर अर्थ से चिपक क्यों नहीं जाता, या अर्थ मून के पास जाकर क्यों नहीं चिपक जाता, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अब उसका आंसर देने के लिए हमको पेज नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। और अब यहाँ से नया टॉपिक शुरू होता है, वो है क्या? दैट इज सर्क्यूलर मोशन एंड सेंट्रिपेटल फोर्स। फाइन, तो देखिए अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? सर्क्यूलर मोशन एंड सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। अभी मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर मैं सीधा जाऊँ, मूव कर रहा हूँ मतलब मोशन, मूव कर रहा हूँ मतलब मोशन, अगर सीधा जा रहा हूँ तो लीनियर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मूव कर रहा हूँ मगर कैसा, ऐसा गोल गोल घूम रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया? नेचुरली सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वर्ड आया है सर्कल से, सर्कल गोल होता है, इसके लिए सर्कुलर मोशन बोला गया है। दूसरा होता है सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल ये एक्चुअली दो वर्ड है, एक होता है सेंट्री, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर, और पेटल का मतलब होता है टू वर्ड्स, ठीक है, मतलब क्या? टू वर्ड्स सेंटर, ठीक है। फोर्स बोले तो क्या? नेचुरली कोई पुल या पुश को हम लोग बोलेंगे क्या? फोर्स। अभी देखो ये डस्टर है, ये डस्टर है, अगर मैं इसको पुल कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर कि वो ऊपर के तरफ आ जाए, यानी मैंने इस पे फोर्स लगाया और उसको खींच लिया, तो ये क्या हो गया? ये फोर्स हो गया, ठीक है, तो सेंट्रिपेटल फोर्स। अब ये क्या है एग्जैक्टली, अभी आप लोगों को समझ में आएगा और इसी के अंदर आपका पेज नंबर 1 पे जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर है कि मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर चिपकता क्यों नहीं है। अट्रैक्शन तो है तो फिर चिपकता क्यों नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपके बुक में कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। उसने बोला है कि एक धागा ले लो और एक साइड पर क्या करो, आप पत्थर बांध लो और दूसरा साइड आपके हाथ में पकड़ो और उसको पकड़ कर घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, ठीक है। तो ये जो घुमा रहे हो आप, तो क्या पत्थर आपको आकर लग रहा है? नहीं। क्या पत्थर आपसे दूर चला जा रहा है? नहीं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो सर्कुलर फॉर्म में मूव होना शुरू हो गया, या सर्कुलर वे से ये मूव करते जा रहा है, ठीक है। और ये आपका कहीं पर आप सेंटर में खड़े हो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोले तो क्या, लॉ बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस,
ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर वो रुकी हुई है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रुका हुआ है, रुकी हुई है, वो उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक का कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसको धक्का मार के चला ना दे। या कोई ऐसी चीज़ जो चल रही है वो उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसको रोक ना दे, ठीक है। वैसा ही ऐसा बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है और तो वो याद रखो मूव करते ही जाएगी, मगर किस डायरेक्शन में? लीनियर डायरेक्शन में। यानी कोई भी चीज़ कभी भी याद रखो इन दिस अर्थ ये ऐसा सर्कुलर घूमती नहीं, सीधा ही जाती है, ना जिगजैग जाती है, ना वेव फॉर्म में जाती है। देर इज़ नो शेप या देर इज़ नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मूविंग या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, खाली एक ही टाइप है, डेट इज़ अ स्ट्रेट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जाना चाहिए, बराबर है, मगर ये स्ट्रेट ना जाते हुए ये टर्न लेकर बराबर सर्कुलर फॉर्म में कैसा घूम रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोई तो एक फोर्स एक्ट हो रहा है सेंटर से जो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है। अगर मैं यह रस्सी छोड़ दूं तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, ये पत्थर जो है स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, यानी कि टेंजेंट बनाकर। अगर यहाँ पर छोड़ दूँ तो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट चला जाएगा, अगर यहाँ से छोड़ूँ तो यहाँ से स्ट्रेट जाना चाहिए, यहाँ से छोड़ूँ तो यहाँ से स्ट्रेट जाना चाहिए। ये इस तरीके से जा सकता है, लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा हूँ उसको और उसको घुमाते जा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि पत्थर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, मगर क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ से कोई एक फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ पुल कर रहा है। तो क्या हो जा रहा है, ये हल्का सा बेंट हो जा रहा है, इस साइड बेंड हो जा रहा है, फिर वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, फिर वापस से सेंटर में से उसको एक पुल आया, वो उसने क्या करा, उसको सेंटर की तरफ खींचा, तो फिर से ये बेंड हो गया। अब ये इधर से स्ट्रेट जाना चाह रहा है, फिर से सेंटर में से इसको किसी ने पुल किया और फिर से ये क्या हो गया, ऐसा टेढ़ा हो गया। ऐसा टेढ़ा होते 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 क्या कर दिया, ये घूमते जा रहा है। ये एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है आपके बुक में? ये एग्जाम्पल इसलिए दिया हुआ है ये बताने के लिए कि सारे जो भी प्लैनेट है इन अ सोलार सिस्टम, ये सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, ये ऐसे सर्कुलर वे में घूम रहे हैं, मगर घूम रहे तो किस फोर्स के बिना पर या किस फोर्स के वजह से, उसका नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स। कोई तो एक फोर्स है जो उसको सेंट्रल की तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर छिपक क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो इतना फास्ट घूम रहा है, इतना फास्ट घूम रहा है, इतना यानी रफ्तार में घूम रहा है कि वो चिपकता नहीं है। एक मैग्नेट रखो बीच में और उसके आसपास मैग्नेट घुमाते रहो, ये बीच वाला मैग्नेट भी घूमने की कोशिश करेगा या घूमेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहे। क्यों अटैच नहीं हो रहे? क्योंकि इसका मोशन इतना फास्ट है कि अगर ये बीच में एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होने जाता है, तब तक ये यहाँ से हट जा रहा है तो ये आगे जाके रुक जाता है। अब ये यहाँ पर आ रहा है, इसका फोर्स ये इसके तरफ अट्रैक्ट होने जा रहा है, तब तक ड्यू टू द फास्ट मोशन ऑफ द प्लैनेट या मून क्या हो जा रहा है कि वो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन इतना फोर्स उन लोगों के बीच में ज़रूर है कि वो उसको पकड़े भी रखा है। कौन से फोर्स से पकड़े रखा है? सेंट्रिपिटल फोर्स, ऐसा फोर्स जो एक उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखता है और सेंटर की तरफ बांध के रखता है। वो मूवमेंट में तो है और मूवमेंट के वजह से ही ये मोशन, सर्कुलर मोशन के वजह से ही क्या हो जा रहा है कि वो इससे चिपक नहीं रहा है। समझ में आया? वो चिपक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो रुका रहता तो चिपक जाता, डेफिनेटली चिपक जाता, लेकिन ये मूव कर रहा है इतने स्पीड में कि वो उससे अटैच नहीं हो पा रहा है। और ये सर्कल क्यों बन पा रहा है? क्योंकि सेंटर वाला फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो याद रखो, सूरज जो होता है सारे प्लैनेट को ऐसा ही पकड़े रखा है, ऐसा ही अट्रैक्ट करके रखा है, उनको छोड़ भी नहीं रहा है और उनको चिपका भी नहीं रहा है अपने से, और ऐसा ही बेचारे उसके आसपास चक्कर काट रहे। उसी तरीके से अर्थ और मून को ले लो। अर्थ
मून को छोड़ भी नहीं रहा है और उसको अपने से चिपका भी नहीं रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स के वजह से सर्कुलर मोशन जो है परफॉर्म हो रहा है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपके बुक के फोर्थ पेज पर दिया हुआ है, ठीक है। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? देखो, अभी हम लोगों को ये तो मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये ऐसा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि ये दोनों को अपने तरफ खींचता है, ठीक है। ये तो हमको पता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, ये फोर्स की वैल्यू क्या है, ये जानने के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पुट फोर्थ की न्यूटन ने किया था, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, देखो अभी उसने समझाने के लिए एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज करो ये है एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए, मैं यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्ट ए, और दूसरा है क्या ऑब्जेक्ट बी, सॉरी यहाँ लिखता हूँ दूसरा है क्या ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। और ये दोनों के सेंटर से अगर मैं नापूँ, याद रखना है कि हम लोगों को कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में का जो डिस्टेंस नापना रहता है वो ग्रेविटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, वो सेंटर से ही रहता है, ठीक है। तो ये सेंटर है इसका, ठीक है। अब क्या हुआ, यह ऑब्जेक्ट ए, यह ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए का जो मास है यह है m1 और ऑब्जेक्ट बी का मास जो है यह है m2, और ये दोनों एक दूसरे से दूर है या फिर एट अ डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस कितना है, सपोज करो 5 मीटर, आपके बुक में फिलहाल इधर पे दिया हुआ है डी, डिस्टेंस है इसके लिए उसको डी बोला गया है, ठीक है। अभी क्या हो जा रहा है कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पुट फोर्थ करने के लिए क्या हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है। उसमें बोला गया है कि जो फोर्स ये दोनों बॉडी के बीच में लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। याद रखो ये फॉर्मूला रातों रात नहीं बना, कई बहुत सारे साल लगे हैं, और सिर्फ अकेले न्यूटन सर ने नहीं बनाए हैं, इसके पीछे और भी दूसरों का हाथ है या दूसरों की मेहनत है, ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट की मेहनत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि ये फोर्स क्या हो रहा है कि फोर्स जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या, यानी कि अगर इसकी वैल्यू मैं बढ़ाऊँ तो इन लोगों की भी वैल्यू बढ़ेंगी, अगर इसकी वैल्यू मैं कम करूँ तो इसकी वैल्यू भी कम होगी। इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, जो इफेक्ट इस पे होगा उसका असर इस पे भी दिखेगा। समझ में आया? अभी देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर दोनों भी मास जो है एक दूसरे से यानी कि अट्रैक्ट कर रहे। तो देखो अभी हम लोग उसको थोड़ा अलग वे से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ करो इसका मास कितना है, इसका मास है सपोज़ करो 10 kg, इसका मास कितना है 10 kg, और ऑब्जेक्ट बी का मास कितना है, इसका मास है 5 kg, सपोज़ करो 5 kg। ए वाला पुल कर रहा है बी को, या ए वाला बी को पुल कर रहा है, बी वाला ए को पुल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं इक्वली, ठीक है। अब ये जब पुल कर रहे हैं तो इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे से करीब आना चाहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, करीब आएंगे तो क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, मिल जाएंगे तो क्या हो गया मतलब 10 + 5 होना चाहिए, फिर तो 5 होना चाहिए, 10 + 5 = 15, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रोडक्ट बोला गया है, प्रोडक्ट बोले तो क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो फिर क्या होना चाहिए, यानी कि 10 × 5 = 50, not 15, 15 नहीं 50। लेकिन ये प्रोडक्ट ही क्यों बोला है, ऐसा क्यों? तो याद रखो इसको थेरोटिकली एक्सपेरिमेंटली भी इसको क्या किया गया है, जांचा गया है, और इसको प्रैक्टिकली करके देखा गया है। तो इसका प्रोडक्ट आता था, इसका मास नहीं आता था, मतलब सॉरी इसका एडिशन नहीं आता था, इसका प्रोडक्ट आता था। कैसे?
अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 आना चाहिए, मगर क्या हो जाता था कि जब ये दो ऐसे ऑब्जेक्ट रखते थे ऑफ डिफरेंट मासेस, एक 10 केजी दूसरा 5 केजी, तो इन दोनों के बीच में का जो फोर्स होता था ना वो सच में 50 वाला रहता था। अब 50 कैसा आया होगा, डेफिनेटली ये दोनों मास को प्रोडक्ट करने के बाद आया होगा, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचर के हिसाब से हो रहा है कि इन लोग के बीच में का मास जो है जो भी आंसर आता था इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर सपोज करो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, सपोज करो अगर मैंने इसको कर दिया 12, ठीक है, और यानी मैं चेंज कर रहा हूँ इन लोगों के मास, ठीक है, और अगर मैंने इसको कर दिया क्या 10, तो इसका क्या हो जाएगा, एडिशन नहीं होगा, एडिशन होगा तो क्या होगा 22 आएगा, मगर एडिशन नहीं हो रहा है। इन लोगों का फोर्स जो आता है वो रिजल्ट में क्या बताता है कि ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा 12 × 10 इज इक्वल टू व्हाट 120, तो फोर्स जो है 120 बताएगा। तो ये साफ तौर पे क्या बता रहा है कि दोनों मास का ये प्रोडक्ट कर रहा है, समझ में आया। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, टेक इट एज अ फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि दो मासेस है ऑफ डिफरेंट, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, और दोनों के क्या है मास है, ठीक है, m1 एंड m2, ठीक है, और ये सर्टन डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एट सर्टन डिस्टेंस पे इन लोगों को रखा गया है। जब इन लोगों को सर्टन डिस्टेंस पे रखा गया है तो क्या हो जा रहा है कि ये दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो फोर्स कितना हो रहा है कि ये दोनों के मास को मल्टीप्लाई करेंगे उतना फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बोला गया है, ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि फोर्स जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ये है ये, ठीक है। अब वही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया मतलब क्या, लिफ्ट का जो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, या डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक अलग ही होता है, मैग्नेटिक फोर्स अलग होता है, लेकिन मैं मैग्नेट के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ का एन और एस लिखा हूँ मैंने, ठीक है। अब ये क्या हो जा रहा है कि डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे, ये इन लोगों के बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाती है, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है कि ये एक दूसरे को अपने पास क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन लोगों के बीच में का डिस्टेंस कम है। अब मैंने क्या किया, ये दोनों को थोड़ा दूर कर दिया, यहाँ पर क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, अब मैंने क्या किया, दोनों को दूर कर दिया। जब दोनों का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या फोर्स बढ़ा या कम हुआ, नेचुरली डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हुआ। तो देखो, डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फोर्स कम होता है, इसको बोलते हैं क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा, ये दोनों को मैंने नज़दीक रखा, कम हो गया तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा, समझ में आया। तो इन लोगों ने ये दो कंडीशन पहला समझाए, ठीक है, इन लोगों ने बोले कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखेंगे तो इन लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर इन लोगों को दूर रखेंगे तो इनका क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अच्छा, कितना कम होगा, कम होगा, यहाँ स्क्वायर क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि यूं ही नहीं दिल बोला और दे दिए, ऐसा नहीं है,
यहाँ पर स्क्वायर इसलिए रखा गया है, ये स्क्वायर इसलिए रखा गया है क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ता था तो तब फोर्स कम होता था, लेकिन कितना कम होता था, 1/4। समझ में आया? यानी कि वो जो है, इन शॉर्ट बोले तो क्या हो जा रहा है कि फोर्स जो है इतना कम होता था कि वो उसका स्क्वायर बन जाता था। दो ऑब्जेक्ट को जब दूर रखते थे, दूर करते थे, तो फोर्स कम होता था। कितना कम होता था? इतना कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर जितना कम होता था, आंसर वैसा आता था। तो ये बेस पे ये दूसरा इक्वेशन आ गया हमारे पास, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं या मर्ज कर देते हैं। ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम लोग मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर बोलूं तो क्या बोलूंगा कि फोर्स, ये जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ए ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ये हम लोग ऐसा इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो साइन है, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। ये प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन होती है, ये सिर्फ दोनों के बीच में का रिलेशन बताती है। क्या रिलेशन बताती है, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बढ़ेगा, अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो ये रिलेशन बता रही है, लेकिन इस रिलेशन के जरिए से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कैसा करेंगे, उसके लिए मैथ्स बोलता है कि इक्वल साइन आना जरूरी है। और इक्वल साइन को लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना पड़ता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो ज़रा आप समझो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, हाँ। तो ज़रा इसको मैं ये पार्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी सपोज करो, मिसाल के तौर पे सपोज करो कि एक कोई एक चीज़ है, चलो एक केक है, सपोज करो केक, ये है ना 10 रुपए का है, एक केक कितने का है, 10 रुपए का, ठीक है। अगर मैं एक केक लूँगा तो मुझे कितना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं दो केक लूँ तो मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा, 20 रुपया देना पड़ेगा। अगर मैं तीन केक लूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 30 रुपया देना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ की भी क्वांटिटी बढ़ रही है, मगर किसके बेस पे, ये तो चेंज होते जा रहे, देखो एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, उसी हिसाब से 10 हुआ 20 हुआ 30 हुआ, सब बढ़ते जा रहे हैं, मगर एक चीज़ नहीं बढ़ी, वो क्या है, डेट इज़ अ रेट। रेट के बेस पे ही ये लोग बढ़ते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। देखो अगर मैं उल्टा बोलूं कि भाई तीन मत दे दो दे, तो क्या हो गया, 30 रुपए से 20 रुपए हो गया, है ना। तो क्या हो जा रहा है कि अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं तो रेट बढ़ते जा रहा है, यानी कि अमाउंट बढ़ते जा रहा है। ये अमाउंट, ये क्वांटिटी के बेस पे अमाउंट क्यों बढ़ रहा है, अमाउंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक कांस्टेंट को ध्यान में रखकर ये कैलकुलेशन आ रहा है। वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है रेट। ये रेट हर जगह पर सेम है, देखो कांस्टेंट है। अगर मैंने एक लिया था ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने एक लिया था केक, एक केक लिया तो कितना मिला, रेट क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट क्या है, रेट चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है।
एक केक मल्टीप्लाई बाय 10, अमाउंट कितना हुआ 10। दो केक लिया तो 20 रुपया। 20 रुपया कैसे, रेट क्या है 10, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया 20। वैसा तीन लिया तो तीन भी मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, रेट। तो रेट अगर आप देखोगे तो रेट हमेशा कांस्टेंट रह रहा है जबकि क्वांटिटी और अमाउंट चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स और ये जो है मास या इसका डिस्टेंस चेंज होते रहेगा, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसको बोलते हैं क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमको डालना पड़ता है, अगर हम वो डालेंगे तो ही हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाकर इक्वल टू की साइन डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर इक्वल टू की साइन डाल रहे हैं दैट मीन्स नाउ वी कैन टेक इट एज अ सम और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जा रहा है कि ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी सर्टन वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10^-11। ये आपको याद रखना रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटेड है, न्यूटन सर वगैरह ने जो है इसको कैलकुलेट करके रखे। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, मेरे बीच में और इस कैमरे के बीच में जो फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो यही रहेगा। अर्थ और सन के बीच में भी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी यही वैल्यू रहेगी, चाहे वो एक छोटे से ऑब्जेक्ट के बीच में हो या बड़े से ऑब्जेक्ट के बीच में हो, नज़दीक के ऑब्जेक्ट के बीच में हो या दूर के ऑब्जेक्ट के बीच में हो, कहीं पर भी हो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। इसलिए उसको बोलते हैं क्या, पूरे यूनिवर्स में मून और स्टार का ले लो, ये दोनों के बीच में का जो कांस्टेंट है, या फिर उसके बाद अर्थ और सन के बीच में ले लो, पूरे यूनिवर्स में किसी का भी एग्जांपल ले लो, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसके लिए उसको यूनिवर्सल भी बोला गया है, यूनिवर्सली ये पूरा जो है ये कांस्टेंट रहेगा जी, ठीक है। और उसका नाम क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, हाँ। अब क्या हो जाता है कि ये ग्रेविटेशन को अभी हम लोग कुछ डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात बोली गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बेस पे, ये क्या है, ये न्यूटन का इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, जी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो अभी कैसा होता है, या जी का हम ये बोल सकते हैं कि जी का जो है हम लोग एस आई यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एस आई यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट बोले तो क्या, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल ये एक ऐसा रूल है जो सारे वर्ल्ड में माना जाता है, ठीक है। उसका दूसरा नाम MKS भी है, MKS सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब क्या, अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो डिस्टेंस, तो आपको उसको मीटर में ही गिनना पड़ेगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हाँ, किलोमीटर, यानी इसमें नहीं गिनना पड़ेगा, सिर्फ मीटर में ही गिनना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये के क्या है, के इज नथिंग बट द मास, मास का जो वजन है वो आपको कैलकुलेट करना है, वो किस में करना पड़ेगा, केजी में करना पड़ेगा, ठीक है। और एस क्या है, ये टाइम के लिए है, और टाइम किससे आपको, यानी कि यूनिट क्या है टाइम का, वो है सेकंड। तो इसके लिए मीटर, केजी बोले तो किलोग्राम, और ये जो है सेकंड। तो ये MKS है, ये MKS सारी वर्ल्ड वाले, सारे दुनिया वाले इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कोई कंट्री अपने अपने हिसाब से जो है रूल्स बनाया था, अब वो रूल दूसरे कंट्री में नहीं एप्लीकेबल था, तीसरी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं था, तो क्या करें, सब लोग कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सब लोगों ने क्या बोले कि हम लोग सब मिलकर इंटरनेशनली ये रूल फॉलो करेंगे कि अगर हमको डिस्टेंस नापना है तो हम मीटर में ही नापेंगे,
अगर हमको मास नापना है, किसी का वज़न नापना है, तो वो केजी में ही उसको जो है हम लोग तोलेंगे, और अगर टाइम है तो उसको हम लोग सेकेंड्स में ही कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप्स कि ये SI यूनिट आपको समझ में आया होगा। तो जी का हमको SI यूनिट कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो देखो अभी क्या हो सकता है, एकदम सिंपल। ये मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया था और इनके सेंटर से जो है हम लोगों ने डिस्टेंस निकाले थे। ये था ऑब्जेक्ट ए और ये था ऑब्जेक्ट बी। इसका मास था m1, इसका मास था m2, बराबर है। अभी देखो हमको इसको अगर फाइंड आउट करना है तो क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपल। देखो क्या होता है, यानी अगर हमको g को डिफाइन करना है तो क्या कर सकते हैं। देखो हम लोग f इंटू डी स्क्वायर, इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ, m1 m2 upon इज इक्वल टू g। आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बस हर एक को इक्वल साइन के इधर लेके चले गया, है ना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा। इसको इधर लेकर आ गया तो f मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, यानी कि डी स्क्वायर के साथ, और दोनों भी जो मासेस है वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सपोज करो ये जो मास था, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 1 kg का है, ये क्या है, 1 kg। इफ़ m1 इज इक्वल टू 1 kg और m2 इज इक्वल टू ये भी 1 kg और दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है ये भी 1 meter है, तो चलो देख लेते हैं कि इसको इसमें डालते हैं फॉर्मूले में, f इंटू 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है, m1 का आंसर क्या है, 1 kg, और इंटू m2 का क्या है, ये भी 1 है, इज इक्वल टू g। अभी सब 1 ही है, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, तो नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर देखो f 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1, और f इंटू 1 इज इक्वल टू f, बराबर है। और कभी भी याद रखना कि डिनोमिनेटर में जो 1 रहेगा उसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो क्या हो गया, g इज इक्वल टू f, समझ में आया, या हम ये भी बोल सकते हैं कि f इज इक्वल टू g, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या हो जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये इक्वल टू फोर्स हो जाता है या इक्वल टू f हो जाता है, ठीक है। कब, जब मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑफ 1 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट इज ऑफ 1 meter, इन शॉर्ट सब लोग एक 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 हो जाते हैं, यानी कि 1 unit हो जाते हैं, तब जाकर g इज इक्वल टू f होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ये f बोले तो क्या फोर्स है, फोर्स के का SI यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। इसके बाद मास, मास का क्या है, किलोग्राम, अभी मैंने बताया था SI यूनिट किलोग्राम, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, मीटर में है, तो ये है m मीटर में, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने क्या किए थे, यहाँ पर ये है न्यूटन, यहाँ सबको इधर लेकर आ गए थे, तो ये n हो गया, d स्क्वायर बोले तो क्या, m स्क्वायर, बराबर है, और m इंटू m मतलब क्या, यानी कि किलोग्राम, मास इंटू मास, तो क्या हो गया, तो ये हो गया kg स्क्वायर, ये क्या हो गया, kg स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर g का वैल्यू क्या हो जाएगा, या g का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, बराबर है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये अपॉन वाली साइन अगर हटाना है, अगर मुझे अपॉन kg वाली, ये जो kg है ना अपॉन में, इसको हटाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, g इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। क्यों -2, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है ना, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ रहा है, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg
जो है ये माइनस टू। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। तो आई होप सो कि न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझ में आया होगा।